हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, आज हम लोग एनईआर रेलवे में जो एग्ज़ाम हुआ था जेई एनवर्स आईडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, उसका क्वेश्चन दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यह एग्ज़ाम 22 अगस्त 2024 को हुआ था इज्जत नगर डिवीजन में। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग अभियंता कार्य का कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतोषजनक एवं सुरक्षित स्थिति में ट्रैक का निरीक्षण एवं रखरखाव, यह आईओडब्ल्यू का कार्य नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कंक्रीट M30 में के ग्रेड में M का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिक्स। प्रश्न संख्या 3, कंक्रीट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से, पानी, एग्रीनेट, सीमेंट, तीनों से। प्रश्न संख्या 4, मोर्टार में बांधने वाली सामग्री है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट। प्रश्न संख्या 5, बार लगाने जैसे रेखिक माप से युक्त कार्य जिसमें लंबाई शामिल होती है को डैश में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रनिंग मीटर। प्रश्न संख्या 6, आरओबी का मतलब क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोड ओवर ब्रिज। प्रश्न संख्या 7, डैश मिट्टी के काम और सीमेंट कंक्रीट जैसे कार्यों को डैश में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घन मीटर में। प्रश्न संख्या 8, क्षेत्र सर्वेक्षण का मुख्य सिद्धांत डैश से काम करना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण रूप से भाग तक। प्रश्न संख्या 9, ज्ञात आर एल का एक निश्चित बिंदु डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेंचमार्क। प्रश्न संख्या 10, पाइप पुलिया एक डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लघु पुल। प्रश्न संख्या 11, आरसीसी कार्य का प्रबलन यानी सिद्धीकरण डैश में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भार। प्रश्न संख्या 12, 1:1:3 का प्लास्टर मिश्रण इंगित करता है किसको? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 भाग सीमेंट और 3 भाग रेत। प्रश्न संख्या 13, डिस्पेंटर का उपयोग लेप करने के लिए किया जाता है, किसके लेप के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मौसम के संपर्क में न आने वाली आंतरिक सतह। प्रश्न संख्या 14, आरसीसी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15, आईआरडब्ल्यूएम के पैरा 224B में उल्लिखित प्रोफार्मा के अनुसार क्वार्टरो के निरीक्षण के दौरान कौन सी स्थितियां नोट की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी, यानी कि छतों की स्थिति, दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति और फर्श प्रस्तर की स्थिति। प्रश्न संख्या 16, भारतीय रेलवे में मध्यम स्तर के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 455 मिलीमीटर से ऊपर। प्रश्न संख्या 17, आईएस विनिर्देशों के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए प्रारंभिक सेटिंग समय डैश से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 मिनट। प्रश्न संख्या 18, आईएस विनिर्देशों के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए अधिकतम अंतिम सेटिंग समय क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10 घंटा। प्रश्न संख्या 19, रेल को इसके द्वारा नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
वजन प्रति इकाई लंबाई। प्रश्न संख्या 20, ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म कोपिंग के मुख तक न्यूनतम क्षेत्रीय दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1670 mm। प्रश्न संख्या 21, ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म कोचिंग से मुख तक अधिकतम क्षेत्रीय दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1680 mm। प्रश्न संख्या 22, पीने के पानी का कीटाणु शोधन निम्न को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। प्रश्न संख्या 23, इंजीनियरिंग कोड के अनुसार क्षेत्रीय अनुबंध की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई से 30 जून के बीच। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग क्षेत्र में कंक्रीट मिश्रण की व्यवहारिकता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्लम टेस्ट। प्रश्न संख्या 25, अनुभाग अभियंता कार्य निरीक्षक द्वारा पुल की निरीक्षण की आवृत्ति क्या होती है, मतलब कितने दिनों में? तो यह हो जाती है दोस्तों मानसून से पहले निर्धारित महीनों के दौरान वर्ष में एक बार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, वर्तमान दरों के साथ साथ उनकी मात्रा को छोड़कर कार्य के सभी मदों का विस्तृत विवरण वाला दस्तावेज क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दरों की अनुसूची। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सी गैस शिविरों में विस्फोट का कारण बन सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। प्रश्न संख्या 28, पुलों में स्टील चैनल स्लीपर डैश की सुपर स्ट्रक्चर के साथ प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टील गटर। प्रश्न संख्या 29, रेलवे के तटबंध में मैनुअल संघनन के साथ मिट्टी का काम डैश से अधिक परतों में नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी निर्माण सामग्री है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ईंट सीमेंट और लकड़ी तीनों। प्रश्न संख्या 31, GAD का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, यानी सामान्य व्यवस्था ड्राइंग। प्रश्न संख्या 32, समय बीतने के साथ कंक्रीट की ताकत क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। प्रश्न संख्या 33, वेल फाउंडेशन आमतौर पर डैश पुलों के साथ के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि ब्रिज पुल और महत्वपूर्ण पुल। प्रश्न संख्या 34, पेंटिंग की माप के लिए इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्ग मीटर, यानी स्क्वायर मीटर। प्रश्न संख्या 35, 18 मीटर या उससे अधिक के कुल रैखिक जलमार्ग वाले रेलवे पुल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बृहद पुल। प्रश्न संख्या 36, एल्कोमीटर का उपयोग पेंट के गैस की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोटाई, यानी थिकनेस। प्रश्न संख्या 37, खुदाई का माप डैश में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घन मीटर। प्रश्न संख्या 38, RMC संक्षिप्त रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेडी मिक्स कंक्रीट। प्रश्न संख्या 39, किसी अवमेंट या रिटेनिंग दीवार में चौक विप होल के कारण डैश हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अक्षय, यानी वेदरिंग। इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा
उभरा झुका या उभरा हुआ। प्रश्न संख्या 40, पीसीसी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्रश्न संख्या 41, आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यह होगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 42, व्हिप होल डेस्क में प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एवस्टेसमेंट में। प्रश्न संख्या 43, पीसी का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। प्रश्न संख्या 44, बीआईएस के अनुसार सादा और प्रबलित कंक्रीट के लिए संदर्भित भारतीय मानक कोड क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईएस 456। प्रश्न संख्या 45, पीने के पानी की गुणवत्ता के मानक के अनुसार पीने के पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए दोस्तों 6.5 से 8.5 के बीच। प्रश्न संख्या 46, कंक्रीट संरचनाओं की तुलना में स्टील संरचनाओं का लाभ यह है? इसका लाभ यह है दोस्तों यानी कि स्टील तनाव के साथ साथ संधिपर में भी अच्छा है। स्टील के उपयोग से संरचना का वजन हल्का होता है, स्टील में अधिक ताकत होती है, तो तीनों इसमें से सही होगा। प्रश्न संख्या 47, हनीकॉम्ब एक प्रकार का दोष है जो आमतौर पर मौजूद होता है किसमें? तो यह होता है दोस्तों कंक्रीट संरचना में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 48, M20 कंक्रीट के मामले में M20 का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 28 दिनों के बाद M20 संदीपन शक्ति वाला कंक्रीट मिश्रण। प्रश्न संख्या 49, गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। प्रश्न संख्या 50, आरसीसी में प्रयुक्त सिद्धिकरण के संबंध में टीएमटी का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। प्रश्न संख्या 51, जल में अवशिष्ट क्लोरीन की सांद्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोटोलिडीन। प्रश्न संख्या 52, रेलवे ट्रैक के निर्माण की चौड़ाई पर निर्भर करती है कि गेज का प्रकार, अलग अलग बिछाई जाने वाली पट्टियों की संख्या, तटबंध या कटिंग के किनारों का ढलान, सही उत्तर क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, यानी कि रेलवे ट्रैक के निर्माण की चौड़ाई और अलग अलग बिछाई जाने वाली पटरियों की संख्या। प्रश्न संख्या 53, भारतीय रेलवे में वक्र का पदनाम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिग्री। प्रश्न संख्या 54, भंडारण के बाद सीमेंट की मजबूती क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट सकती है। प्रश्न संख्या 55, ऊंचाई गेट पोस्ट से न्यूनतम डैश की दूरी पर होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8 मीटर। प्रश्न संख्या 56, आरसीसी कार्य का सुदृढ़ीकरण डैश में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वेट में। प्रश्न संख्या 57, संसदन रहित मिट्टी होती है? तो यह हो जाती है दोस्तों रेत, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 58, स्लम परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंक्रीट के परीक्षण के लिए। प्रश्न संख्या 59, टेल एंड पॉइंट पर न्यूनतम अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन उपलब्ध होना चाहिए कितना? तो यह होना चाहिए 0.2 ppm। प्रश्न संख्या 60, नए कार्यों मौजूदा कार्यों में परिवर्तन के लिए ट्रैक के केंद्र से केंद्र तक की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए दोस्तों 5300 mm।
प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मोर्टार का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नींबू मोर्टार। प्रश्न संख्या 62, फीलर गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गैप को जांचने के लिए। प्रश्न संख्या 63, किलो एक क्विंटल किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 किलो के बराबर होता है एक क्विंटल। प्रश्न संख्या 64, नमी प्रूफ फोर्स के लिए माप की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर मीटर। प्रश्न संख्या 65, वर्षा जल पाइप की माप की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रनिंग मीटर। प्रश्न संख्या 66, बेंटोनाइट का उपयोग पाइल ड्राइंग में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोर होल की दीवारों को स्थिर रखने के लिए। प्रश्न संख्या 67, कंक्रीट संरचनाओं की तुलना में स्टील संरचनाओं का लाभ यह है? इसका सही जवाब, एक क्वेश्चन ये दोबारा पूछा गया दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 68, अनुभाग इंजीनियर कार्य को उपभोक्ता बिंदु पर अपशिष्ट क्लोरीन की सांद्रता की बार बार बैस परीक्षण द्वारा जांच करनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोडोलोटोलोडिन। प्रश्न संख्या 69, क्रेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्ध्व वर्टिकल ट्रांसपोर्शन और उठाना और नीचे करना। प्रश्न संख्या 70, बार लगाने जैसे रैखिक माप वाले कार जिसमें लंबाई शामिल होती है उसे डैश में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रनिंग मीटर में। प्रश्न संख्या 71, पीने के पानी की गुणवत्ता के मानक के अनुसार मिलीग्राम प्रति लीटर में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की अधिकतम वांछनीय सीमा क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 500। प्रश्न संख्या 72, पानी में बैक्टीरिया की मौजूदगी का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डायजीज, रोग का कारण बनता है यह। प्रश्न संख्या 73, विकेट उपकरण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है? क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सीमेंट की समान स्थिरता, सीमेंट का अंतरिम सेटिंग समय, सीमेंट का प्रारंभिक सेटिंग समय। प्रश्न संख्या 74, रेल सेक्शन को इसके द्वारा नामित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रति मीटर लंबाई वजन। प्रश्न संख्या 75, वर्षा की मात्रा को किसमें मापा जाता है? तो रेन गेज, ऑप्शन नंबर ए उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 76, वह स्टेशन जहां से तीन या इससे अधिक दिशाओं की लाइनें मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जंक्शन। प्रश्न संख्या 77, दीवारों पर टाइलों की माप की इकाई क्या, इकाई कैसे मापी जाती है? तो यह मापी जाती है वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर में। प्रश्न संख्या 78, वर्षा जल संचयन का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल का संग्रहण, यानी कि ए बी दोनों होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 79, कंक्रीट में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला महीन समुच्च क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेत। प्रश्न संख्या 80, IRWM 2000 के अनुसार रोग पैदा करने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जल आपूर्ति में सबसे दूर के छोर पर न्यूनतम अपशिष्ट क्लोरीन की मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए, कितनी? तो यह होनी चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0.2 ppm। प्रश्न संख्या 81, ट्रैक का गेज एक ट्रैक पर दो चलती रेलों के गेज फेस के बीच स्पष्ट दूरी को संदर्भित करता है, बिजी ट्रैक के लिए मान्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1600 mm। प्रश्न संख्या 82, ट्रैक के केंद्र से किसी भी प्लेटफॉर्म की दीवारों के सामने तक की न्यूनतम क्षेत्रीय दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1680 mm। प्रश्न संख्या 83, ट्रैक के केंद्र से किसी भी प्लेटफॉर्म के दीवार के सामने तक की अधिकतम क्षेत्रीय दूरी क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2135 mm। प्रश्न संख्या 84,
उत्फुल्लन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ईंट की मिट्टी में अघुलनशील लवणों के कारण ईंट की सतह पर सफेद धब्बों का बनना। प्रश्न संख्या 85, ईंट की चिनाई में ईंट का थोक सामान्यतः डैश पर रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तली मुख पर। प्रश्न संख्या 86, NmmSquare एक प्रथम श्रेणी के ईंट के दलन शक्ति डैश न्यूनतम पर MmmSquare से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10.5। प्रश्न संख्या 87, वेदर कोट आमतौर पर लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्डिंग के अंदर। प्रश्न संख्या 88, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेब कोट जो लगाया जाता है दोस्तों बिल्डिंग के बाहर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर यह बिल्डिंग के बाहर लगाया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 88, पुल की जैकेटिंग एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुल को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 89, कंक्रीटिंग में WC का अनुपात क्या का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पानी और सीमेंट का अनुपात। प्रश्न संख्या 90, सड़कों पर सुपर एलिवेशन प्रदान किया जाता है इसके लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घुमावों के लिए। प्रश्न संख्या 91, IS कोड के अनुसार प्रति व्यक्ति पानी की खपत कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 135 लीटर। प्रश्न संख्या 92, DPR को संक्षिप्त रूप में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रश्न संख्या 93, 18 मीटर या उससे अधिक के कुल रेखिक जलमार्ग वाले रेलवे पुल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बृहद पुल, मेजर ब्रिज। प्रश्न संख्या 94, उन्नयन का एक निश्चित संदर्भ बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेंचमार्क। प्रश्न संख्या 95, बेंचमार्क या ज्ञात ऊंचाई के बिंदु पर ली गई स्टॉप रीडिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैक साइड रीडिंग यानी पश्च दृष्टि रीडिंग। प्रश्न संख्या 96, IRWM के पैरा 225(b)(3) के अनुसार कॉलोनी केयर कमेटी के सदस्यों को 10 दिन पहले नोटिस देकर हर 10 महीने में एक बैठक होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 दिन पहले नोटिस, 2 से 7 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। प्रश्न संख्या 97, प्रथम श्रेणी के ईंट को 24 घंटे तक ठंडे पानी में डुबाने पर उससे अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0.2। प्रश्न संख्या 98, फुट ओवरब्रिज जैसे हल्की ओवरहेड संरचनाओं की रेल स्तर से ऊपर न्यूनतम ऊंचाई जहां 25 kV एसी ट्रैक्शन मौजूद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1250 mm। प्रश्न संख्या 99, जलाक्रांत मिट्टी की वहन क्षमता को सुधारा जा सकता है, क्या करके? तो इसको सुधारा जा सकता है दोस्तों मिट्टी के वहन से। प्रश्न संख्या 100, सफेदी में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला चूना क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वसीय चूना यानी फैट लाइम। उसके बाद आपको पता ही होगा दोस्तों 10 प्रश्न LDC के हर विभाग या परीक्षा में पूछा जाता है, तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रश्न संख्या 2, राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10, टोटल 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 103, आधिकारिक भाषा अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र बी में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 4, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में। प्रश्न संख्या 5,
केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 6, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 7, संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भाग 17 में। प्रश्न संख्या 8, राजभाषा नियम कब पारित हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1976 में। प्रश्न संख्या 9, सर मंडलीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अविधिता क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 महीने में एक बार। और आज का अंतिम प्रश्न, नाम पदनाम और साइन बोर्ड किस क्रम में प्रदर्शित किए जाने चाहिए, क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय भाषा फिर हिंदी फिर अंग्रेजी। तो दोस्तों ये थे IOW JEE के जो एग्जाम हुआ था LDC एग्जाम इज्जत नगर डिवीजन में, उसका प्रश्न पत्र। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।